स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। वीडियो के इस सेक्शन में मैं आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनका थर्ड पेपर जो है उसका मॉडल पेपर मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी वाला बटन है उसको दबा लें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपको जो मेरी वीडियो आने वाली है या जो भी मेरी न्यू अपडेट जो आ रही है, जो वीडियो आ रही है, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी और आप वीडियो सेक्शन से आप वीडियो देख सकते हो। जो चीज़ें नहीं समझ में आती उसके लिए कमेंट कीजिए, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, जो मॉडल पेपर है डी फार्मा के जो स्टूडेंट हैं उनका थर्ड पेपर है उसको देख लेते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो थर्ड पेपर है आपका मेन सब्जेक्ट है और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें संस्कृत में हैं, तो इसको समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी और दिक्कत हो सकती है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको दिक्कत होती भी है। तो मैं बस आपसे एक चीज कहूंगा कि आप बुक ले लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो द्रव्यगुण विज्ञान का बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और अगर आपको बुक नहीं मिल रही है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। मैं द्रव्यगुण विज्ञान एवं द्रव्य परिचय के जो तीनों पेपर है, तीन पेपर आपको दिमाग में रखना है कि इसकी तीन किताबें मिलेंगी, तीनों अगर आप सही से पढ़ना चाहते हैं तो तीनों पेपर लेकर के आप पढ़िए इसको, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बुक की लिंक आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको बुक की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन आपको बुक मिल जाएगी। सब्जेक्ट है ये आपका द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय का जो सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा हार्ड इसलिए हो जाता है कि ज्यादा चीजें संस्कृत में आती हैं और संस्कृत को जब तक एक्सप्लेनेशन करके आपको नहीं बताया जाएगा तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। मॉडल पेपर है तो मैं आपको बस इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो चीजें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, और जितने भी चीजें हैं इसमें जो भी है सब आपको कुछ चीजें संस्कृत में आपको श्लोक के माध्यम से आंसर देने होते हैं, तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो दे दूं जिसमें जितने भी द्रव्य हैं उनका वर्गीकरण करके अच्छी तरह से श्लोक के टाइप से मैं आपको समझा दूं। इसके पहले अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगी आपको, वहां जा करके देख लीजिएगा। तो औषधियों का वर्गीकरण मैंने भैषज कल्पना नाम से एक वीडियो बनाई है, उसमें औषधियों का वर्गीकरण मिल जाएगा, तो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से आपको मिलेंगे जो कि आपको उस वीडियो में देखेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बार बार मैं बता रहा हूं कि जो भी पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, तीन पेपर हैं 300 नंबर के हो गए, तीन थियरी होगा, 300 नंबर की थियरी भी हो गई, तो 600 नंबर के टोटल पेपर हैं। हर क्वेश्चन आपका 20 नंबर का आना है और हर पेपर में आपको 7 प्रश्न मिलते हैं। इसके पहले मैंने जो दो मॉडल पेपर दिए हैं उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, सारी चीज़ों को क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा दिया है। तो अभी तक अगर आपने मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर नहीं देखा या सेकेंड पेपर का मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी आपके 7 प्रश्न हैं और जैसा कि मैंने बता दिया कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो जब तक आप क्लास अटेंड नहीं किए हो और जो चीज़ें आपने नहीं देखा है, आप वीडियो में जो भी मेरे चैनल पे जो भी वीडियो है आप बारी बारी से देख लीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक आपको द्रव्यगुण विज्ञान के आपको मिल जाएंगे और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन जो है इसमें है, द्रव्य की परिभाषा लिखते हुए वीर्य एवं विपाक का वर्णन कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में ही कह रहा है द्रव्य की परिभाषा लिखते हुए, तो द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य है क्या? तो द्रव्य का मतलब जिससे हम औषधि निर्माण करते हैं, जो भी वनस्पतियों से जो चीजें प्राप्त होती हैं, चाहे वो तना हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गया, उनसे जो चीजें प्राप्त होती हैं, जिस भी पौधे से प्राप्त होती है, जिससे दवाइयां बनाई जाती हैं, उसे द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय के सब्जेक्ट में द्रव्य कहा जाता है, और उनसे ही जो औषधि निर्माण की जाती है वो द्रव्य कहलाता है। तो हमें द्रव्य की परिभाषा इसमें लिखना है, वीर्य और विपाक का वर्णन करना है। तो वीर्य का मतलब जो तासीर होती है औषधियों की, मतलब कि जिससे उनका गर्म और ठंडापन होता है, जैसे कुछ जो औषधियां होती हैं उनका वीर्य उष्ण होता है, कुछ का शीत होता है। तो वीर्य में अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी औषधियां जिनको खाने के बाद से शरीर में ठंडक महसूस होती है, और कुछ ऐसी औषधियां जिनको खाने के बाद से शरीर में गर्मी होने लगती है, या खाने वाले भी जो चीजें देखें तो उसमें भी ये सारी चीजें होती हैं। तो वीर्य मतलब जो कि उसके तासीर को समझाता है, उसके तासीर को परिभाषित करता है, तो वीर्य हो गया। और विपाक का मतलब कि जैसे आपने रस पढ़ा होगा, तो रसों का जब शरीर में पूरी तरह से उनका पाचन हो जाता है, सोख लिए जाते हैं, तो जब डाइजेशन होता है तो जो भी रस हम पचाते हैं उसका विपाक बनता है, दूसरा रस निकलता है, तो उसी को ही हम विपाक कहते हैं। तो इस तरह से आप द्रव्य की परिभाषा लिखते हुए वीर्य और विपाक का वर्णन
करके अच्छी तरह से क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। तो अगर नहीं आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है वीर्य क्या है विपाक क्या है, तो मैं आप कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उसको अच्छी तरह से फिर समझाने की कोशिश आपको करूंगा। अलग से एक आपको टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें सारी चीजें आपको मैं समझा दूंगा। सेकेंड नंबर है, जल वर्ग में वर्णित पांच पांच जलों के गुण कर्म एवं जल शोधन की विधि का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले तो जल वर्ग है क्या, तो जल वर्ग जिसमें जल पांच जो जल यहां पे दिखाया जा रहा है पांचों जलों के गुण बताने हैं, तो जल वर्ग में कितने जलों को सम्मिलित किया गया ये आपको पहले जानना जरूरी है। तो जल वर्ग क्या है, जल वर्ग में कितने तरह के जल सम्मिलित हैं और उन जलों के गुण क्या हैं वो समझ करके आपको इसमें लिखना है। उसके बाद से कर्म, इनका कर्म काम क्या है इन पांचों जलों का, जल शोधन मतलब कि जल शोधन मतलब जल में जो अशुद्धियां उपलब्ध हैं उनको हम खत्म करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं उसे जल शोधन कहते हैं। तो इस तरह से आप सेकंड नंबर का आंसर आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। थर्ड नंबर है, औषधि द्रव्यों का वर्णन करते हुए, औषधि द्रव्यों का वर्णन, तो औषधि द्रव्य जो है तो उसमें औषधि द्रव्यों का वर्णन करते हुए आपको क्या करना है, अर्जुन अश्वगंध शंख पुष्पी का चिकित्सीय उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें औषधि द्रव्यों का वर्णन करना पड़ेगा कि औषधि द्रव्यों के किस तरह से आयुर्वेद में प्रयोग में लिए जाते हैं, कौन कौन से औषधि द्रव्य जो है प्रायोगिक तौर पे लिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर लिखें तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा औषधियों को टच नहीं करना, आप मेन टॉपिक टॉपिक पे ही रहिएगा कि औषधि द्रव्य जो है किस तरह से हमारे रोग के ऊपर काम करते हैं, इसको स्टार्टिंग में कर करके फिर आप क्या कीजिएगा मेन पॉइंट पे आइएगा। अर्जुन, तो अर्जुन अश्वगंध शंख पुष्पी के चिकित्सीय उपयोगिता को आपको बता देना है। तो इनके परिचय देते हुए, अर्जुन का अश्वगंध शंख पुष्पी का परिचय देते हुए इनकी चिकित्सीय उपयोगिता किस किस बीमारियों में काम में आते, कैसे इनको प्रयोग में लिया जाता है, मात्रा क्या है, अनुपान क्या है, किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, कैसे हम इसका प्रयोग लेते हैं चिकित्सा में, चिकित्सा में कैसे प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर नंबर जो है, चौथा प्रश्न जो है उसमें दिया है टिप्पणी। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया आपको, टिप्पणी वाले क्वेश्चन जरूर होते हैं, और ऐसे टिप्पणी वाले प्रश्नों में हर सेक्शन में चार प्रश्न होते हैं और चारों के नंबर समान हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 20 नंबर के भी क्वेश्चन है। और मैं बता चुका हूँ हर शॉर्ट नोट में आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक पेज बस आप लिख दिए तो आपको कंप्लीट जो जो भी आपको नंबर मिलने होते हैं वो मिल जाएगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो इस सेक्शन में भी आप देखिए तो चार क्वेश्चन है, पहला है जीवनीय, दूसरा रसायन, तीसरा अनुलोमन और चौथा ग्राही। तो ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने मेंशन किया, जितने भी क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं, और ये मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ कि इसमें से 50% जो क्वेश्चन है जरूर आने ही हैं एग्जाम में। तो बता देता हूँ इसका आंसर कैसे आपको लिखना है। तो पहला है जीवनीय, तो एक चीज पहले मैं बता देता हूँ, जितने भी औषधि द्रव्य हैं या वर्गीकृत औषधियों की जो परिभाषा है उनको लिखने के लिए आपको श्लोक याद करना पड़ेगा। श्लोक जब लिख करके और उसका अर्थ अगर आप समझा देंगे, लिख देंगे, तो ज्यादा नहीं लिखना है, आधे पेज भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो जीवनीय क्या है, तो जीवनीय में 10 औषधियों को उल्लेखित किया गया है, और सुश्रुत के अनुसार उसमें 12 औषधियां हैं और चरक के अनुसार 10 औषधियां हैं। तो 10 औषधियां जीवनीय में उल्लेखित हैं, तो उनको श्लोक के हिसाब से लिख करके उसका अर्थ बस यही लिख देना कि इन 10 औषधियों को जीवनीय गण या जीवनीय कहा जाता है, तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से रसायन दिया हुआ है, तो ये भी श्लोक से ही लिखेंगे, उसका अर्थ ये हो जाएगा कि जिन औषधियों से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है उसे हम रसायन कहते हैं, तो ये इसमें आप आंसर लिख सकते हैं। तीसरा जो है अनुलोमन, अनुलोमन क्या कहता है कि जो भी रस हैं उनको शरीर में पचा करके, ऐसी औषधियां जो रसों को शरीर में पचा देता है, मल जो है उसके बाद से गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकालता है, तो उसे ही हम। और नेक्स्ट है ग्राही, तो ग्राही क्या है, ऐसी औषधियां जो शरीर में जा करके पूरे जो दोषों को नष्ट करती हैं और उसको शरीर में सुखा देती हैं उन्हें ही हम ग्राही कहते हैं। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं ये, लेकिन श्लोक के आधार पे ही आपको लिखना होता है। पांचवा जो है निम्न पर टिप्पणी लिखना, इसमें भी टिप्पणी ही है और इसमें भी वर्गीकृत औषधियों की परिभाषा की तरह ही है। वाजीकरण, तो वाजीकरण क्या है, जिससे पुरुष की जो शक्ति है बढ़ जाती है, वीर्य को शुक्र को मजबूत किया जाता है, ऐसी औषधियां जो पुरुष की पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, उनकी शक्ति को बढ़ाते हैं,
मैथुन क्षमता को बढ़ाते हैं, तो ये सब वाजीकरण में आएगा। दीपन है जो हमारे शरीर की जठराग्नि, जो हमारी जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त कर देती है, भूख को बढ़ा देती है, उनको हम दीपन द्रव्य कहते हैं। वामक जो शरीर में जो गंदगी है, कफ वगैरह हो गया है बहुत ज्यादा, और उसको शरीर से बाहर निकालना है, तो इन औषधियों को देने से उल्टी होती है, वामक मतलब वमन कराया जाता है, तो उसको हम वामक द्रव्य कहते हैं। स्नेहन है जो कि स्नेह का मतलब तेल से होता है, शरीर के ऊपर प्रयोग करने से ये शरीर में तेजी से प्रवेश कर जाता है, सूक्ष्म होता है, इसलिए इसको हम स्नेहन कहते हैं। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, श्लोक के अनुसार लिखेंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। फिर 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भी 4 तरह के आपके टिप्पणी हैं। पहला है अष्टवर्ग, तो अष्टवर्ग नाम से ही पता चल रहा है 8 तरह की औषधियां हैं, तो उनको हम अष्टवर्ग कहते हैं, 8 औषधियों का नाम उसमें लिखेंगे और तब जाकर उसको समझाएंगे। सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके जो मॉडल पेपर है इसमें नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने मेंशन किया है या जितने भी वर्गीकृत औषधियां हैं, जिससे ताकि आपको दिक्कत ना हो, जो भी एग्जाम में पूछे जाने हैं, जो मेन टॉपिक है, मैं सारी औषधियों को एक वीडियो में समाहित करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा जल्दी ही, और आपको अच्छी तरह से उन चीजों को समझा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपकी सुविधा के लिए मैं उस जितने भी टॉपिक हैं उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा आपकी सुविधा के लिए, तो आप ज्यादा परेशान ना होइएगा कि ये चीजें कहाँ से मिलेंगी। और जिनके पास बुक है वो बुक से एक बार एक्सप्लेन करके, बुक से आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें सही समझ में आ जाएंगी, लेकिन श्लोक को आपको याद करना पड़ेगा। तो अष्टवर्ग जो है 8 औषधियां हैं इसमें, और तो इनको हम अष्टवर्ग कहते हैं। फिर षडुषग है, षडुषग मतलब इसमें, षडुषग का मतलब 6 औषधियां इसमें इन्वॉल्व की गई हैं, इसलिए इनको हम षडुषग कहते हैं। कंटक पंचमूल है, तो कंटक पंचमूल 5 पौधे हैं, उनकी जड़ों का यूज किया गया था, इसलिए इसको कंटक पंचमूल कहा जाता है, और परिभाषा में आपको श्लोक के साथ इसको लिखना पड़ेगा। त्रिफला आपको पहले से ही पता है, त्रिफला में 3 औषधियों का समावेश होता है, उसको भी आप मैंने समझाया है, त्रिफला को भी मैंने अच्छी तरह समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लास्ट है, टिप्पणी इसमें भी लिखना है, इसमें त्रिजात है, तो इसमें 3 औषधियां हैं। फिर चतुर्बीज है, 4 तरह के बीज होते हैं, इनके ऊपर भी श्लोक है, श्लोक का ही अर्थ जब आप लिखेंगे तभी आंसर कंप्लीट होगा। पंचतिक्त है, 5 जो कड़वी स्वाद की जो औषधियां हैं वो पंचतिक्त में आती हैं। फिर बोरिक एसिड है, तो बोरिक एसिड भी द्रव्य गुण विज्ञान का एक टॉपिक है, तो बोरिक एसिड का ज्यादातर यूज जो है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, कभी कभी आंख को साफ करने के लिए भी प्रयोग में लेते हैं, ज्यादातर ड्रेसिंग में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है, ड्रेसिंग बैंडेज वगैरह करने में भी बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, सोल्यूशन बना करके पानी में आसानी से ये घुल जाता है, तो इसलिए इसका प्रयोग मेडिकली तौर पर ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन में भी ये चीज मैंने मेंशन किया है। तो आप सारी चीजों को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, जो चीजें नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मैं पहले ही कह चुका हूं आपको, सारी चीजें आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सारी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो तीनों मॉडल पेपर जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनको मैं दे चुका हूं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम होना है तो आप अपनी प्रिपरेशन जो तैयारी है सेल्फ स्टडी की, कॉलेज बंद है तो सेल्फ स्टडी घर पे करते रहिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम होना ही है निश्चित है, और ताकि आपकी जो तैयारी है कंप्लीट रहे, इसलिए मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ आपको। तो आप वीडियो को अच्छी तरह देखिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं उसका जो भी हेल्प है अपनी तरह से मैं करने की कोशिश करूंगा। तो तीनों पेपर का मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, और जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं या नए जुड़ रहे हैं वो उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उन्हें कमेंट करके बताइए, ताकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।